हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन और ब्लॉग में। तो ठंडी है जाने वाली फ्रेंड, तो मैंने आज बनाया है अपने खाने के लिए मिक्सी रोटी, जो कि कुछ चीज़ें मैंने मिक्स करके पांच तरह के अनाज को मैंने पिसवाया था और उसको मैं ठंडियों में पिसवा लेती हूँ फ्रेंड। तो इस तरीके से मैं रोटी बनाती हूँ, तो मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे यहाँ सब खा लेते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके से रोटी बनाना। बना के खाने में बहुत ही मज़ा आता है। सब्ज़ी वगैरह नहीं चाहिए, अगर नहीं मन कर रहा है तो इस तरीके से रोटी बनाइए और पेट भर के खाइए फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि मैं इस समय वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ कि मुझे इस समय कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी फ्रेंड, तो समय नहीं मिल रहा था कि वीडियो एडिट करें और बनाएं और आप सब तक पहुंचाएं। तो आज मैंने वीडियो बनाया है फ्रेंड, और ये जो मैंने रोटी बनाई है ये मैं अक्सर बनाती हूँ। ये तरीका मेरा है रोटी बनाने का, आप सब ज़रूर देखिए। अगर ये मेरा तरीका पसंद आता है फ्रेंड आप सबको, तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और वीडियो में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आप सबका सहयोग मुझे आगे बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के फ्रेंड कि मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए और मेरी वीडियो को देखिए। तो देर ना करते हुए चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, ठीक है ना? चलिए फिर आज हम बनाने चल रहे हैं मिक्सी रोटी, जो कि बहुत मन कर रहा था खाने के लिए। तो चटनी के साथ में घी रहे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो रोटी भर का लमसम आटा लिया है, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो कोई खाता नहीं है, तो हम ही खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ आटा लिया है जो पाँच अनाज से बना हुआ है। ये आटा तो मैं बता दे रही हूँ, इसमें गेहूँ का आटा है, मकई है और चना है और बाजरा है, और इसमें वो मूंग की दाल है थोड़ी सी, मतलब खड़ा मूंग था। ये सारी चीज़ें जो था हमने इसको पिसवा लिया था, और ठंडियों में अक्सर हम पिसवा लेते हैं इसको, तो ठंडी भर चलता है ये। तो आज हम चल रहे हैं रोटी बनाने मिक्सी की, मिक्सी रोटी, जो सारी मतलब जो आप डालना चाहें, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, मैं दिखा रही हूँ। तो आज ऐसे ही रोटी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कटा हुआ ये धनिया ले लिया है, और ये बारीक कटी हुई प्याज है जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और यहाँ पे ये धनिया जीरा मिर्चा पाउडर है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूंगी ये हरी धनिया की चटनी, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और स्वाद आता है। तो आप इस तरीके से रोटी बनाना तो बहुत ही अच्छी रोटी बनती है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए पहले मैं आटे को लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। और देखिए आटा लगा के मैंने रख दिया है कुछ देर के लिए, पाँच मिनट तक मुझे इसे आटा को रख देना है ढक के। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इतनी छोटी लोई बना ली है ये, और थोड़ा सा इसको हम अभी बढ़ा देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे इस तरीके से। और आप चाहें तो पानी वाली भी रोटी बना सकते हैं पानी लगा के, लेकिन मैं इसे हाथ से बड़ा करूँगी अभी, तो थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको बढ़ा ले रहे हैं, फिर अभी दोनों हाथों से इसको बड़ा कर लूँगी। और क्योंकि अभी एक हाथ से इसलिए बढ़ा रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि एक हाथ से रिमोट मोबाइल पकड़ी हूँ मैं ना, इसलिए एक हाथ से इसको थोड़ा बड़ा कर ले रही हूँ, और उसके बाद में फिर, तो चलिए फिर इसको दोनों हाथों से इसको बड़ा करते हैं पानी लगा के। तो देखिए इधर तावा मेरा गर्म हो गया फ्रेंड, और मैंने इस तरीके से रोटी यहाँ पे बना लिया है, और इसे सेकते हैं फिर। देखिए फ्रेंड, ये रोटी मेरी बनके तैयार हो रही है, और बहुत ही अच्छी है। मैं चूल्हे पे नहीं बना रही हूँ फ्रेंड, लेकिन एक दिन चूल्हे पे भी बना के आप सबको दिखाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ हीटर है, हीटर पे बना रही हूँ, इस पर भी बहुत अच्छी रोटी पक जाती है, तो अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी भी पका के। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैं रोटी को लाल करके सेक ले रही हूँ,
और हीटर को मैंने बंद कर दिया है फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म था तो रोटियाँ मेरी जल जाती, पकती नहीं। तो इस तरीके से अभी ये हीटर गर्म है तो इस तरीके से मैं धीमी आंच पे इसे पका रही हूँ, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये दोनों रोटियाँ को पका लेती हूँ, मैं दो रोटी बनाई हूँ तो दो रोटी को पका लेती हूँ, फिर थाली में खाना लगाती हूँ। और सच में फ्रेंड ये रोटियाँ सेकते हुए मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही है जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है, बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है इस रोटी की, और खाने में तो और ही अच्छी लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी फ्रेंड। तो फ्रेंड इधर देखिए मैंने मिक्स वेज भी बनाया है आज, तो मिक्सी रोटी और मिक्स सब्जी मैंने आज बनाया है। तो इस तरीके से आप सब देख सकते हैं कि रोटियां भी मेरी सिक गई हैं बहुत ही अच्छे से लाल लाल, और सब्जी भी मेरी बन गई है, और बस मुझे खाने की देरी है फ्रेंड। तो बहुत ही अच्छी सब्जी और रोटी ये मेरी बनी है, मिक्सी रोटी और सब्जी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी है ये। तो इसके साथ में थोड़ी सी हम रखेंगे यहाँ पे चटनी, तो बस आज यही रोटी चटनी हम लोग खाएंगे फ्रेंड, तो बस यही आज का खाना है। तो आप सब बताइए, मिक्सी रोटी ऐसे ज़रूर बनाना फ्रेंड। और ये मेरी वीडियो है देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है ना फ्रेंड। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ प्लीज़।